या तो स्क्रैच से क्रिएट करेगा या फिर एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट कर देगा। ठीक है, ठीक। फिर ये फॉर रीड है, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग व्हेन यू वांट टू एक्सेस एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम। जब भी फाइल को रीड करना होगा हम रीड मोड में ओपन करते हैं। सो दिस अलाउ अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन द रीड दैट इज एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग द फाइल कंटेंट। ठीक है, अच्छा अपेंड का मतलब क्या होता है? फाइल के एंड में अगर डेटा इंसर्ट करना है तो अपेंड करें। फाइल के एंड में, ठीक है, अगर डेटा इंसर्ट करना है तो अपेंड करें। एग्जिस्टिंग फाइल विदाउट अल्टरिंग द एग्जिस्टिंग कंटेंट, सो न्यू डेटा इज ऑलवेज एडेड एट द बॉटम ऑफ द। ठीक है, ठीक। स्टोर डेटा परमानेंटली। ठीक है, फाइल का पर्पज क्या है? टू स्टोर डेटा परमानेंटली। और केस वन है राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल मीन क्रिएटिंग और ओवर राइटिंग अ टेक्स्ट फाइल। ऑल प्रीवियस डेटा इन द फाइल विल बी क्रिएटेड एंड द फाइल विल बी रिटन फ्रॉम स्क्रैच। अगर राइट ठीक है, ठीक। ये फिर से सिंटेक्स आ गया। आप पहले ओपन फाइल लिखेंगे, ये कैपिटल वर्ड्स में आएगा, फाइल नेम डबल कोटेशन के अंदर आएगा, फॉर राइटिंग ये राइटिंग मोड आएगा, राइट फाइल देखिए ये कमांड है, इस फाइल में डेटा राइट करेंगे यूजिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग, क्लोज फाइल करेंगे यहाँ पर फाइल का नाम है। रीडिंग फ्रॉम फाइल केस थ्री, वेन एवर यू वॉन्ट टू सर्च फॉर समथिंग इन एग्जिस्टिंग फाइल यूज फॉर रीड। सर्चिंग जब भी करोगे ना तो रीड रीड कमांड यूज की जा सकती है। डेटा से सर्च करना तो रीड कमांड। अब इसको जरा देखो, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। ठीक है, सबसे पहले आपने ओपन लिखा, फाइल का नाम लिखा और फॉर रीडिंग, फिर हमने रीड फाइल कमांड लिखा, फाइल का नाम डबल क्वोटेशन लिखा कॉमा और लाइन, ये वेरिएबल है जिसके थ्रू फाइल में डेटा राइट किया जाएगा, रीड किया जाएगा या राइट किया जाएगा। और ये आपने प्रिंट लाइन कर, ये एक लाइन प्रिंट हो गई, रीड फर्स्ट लाइन। तो रीड फाइल एबीसी डॉट टीएक्सटी, फाइल कॉमा लाइन, रीड सेकेंड लाइन और ये प्रिंट लाइन। समझ आया? जी तो राइट कर लो। डायरेक्ट ओपन फाइल से लिखूँ ना? हाँ, ये ओपन फाइल, ठीक
इसलिए कर लिया। ठीक है, ये फॉर रीडिंग है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ रीडिंग आ गया और राइट फाइल था, रीड फाइल आ गया, बाकी सब सेम है। सही, ठीक। अब ये कह रहे हैं देयर इज एन एग्जिस्टिंग फाइल नोन एज सैंपल डॉट एसी व्हिच कंटेन 500 लाइन प्रिंट ऑल ऑफ इट्स कंटेंट। तो हमें सारी लाइनें प्रिंट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना फाइल को रीड करना है, ठीक है, क्लाइंट को रीड 500 लाइन का मतलब इसमें यहाँ लूप इस्तेमाल होगा, है ना। जी तो अगर हमें नंबर ऑफ लाइन का पता हो तो हम फॉर लूप इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ लाइन का ना पता हो तो फिर हम व्हाइल लूप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ओपन फाइल किया, फाइल का नाम डबल कोटेशन के अंदर फॉर रीडिंग, क्योंकि हमने रीड करना था, पर आई फ्रॉम, क्योंकि हमें नंबर ऑफ लाइन क्या पता है, तो फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, आई फ्रॉम 1 to 5। यहाँ पे तुम तो इक्वल लगा सकते हो या एरो लगा सकते हो। फाइल को रीड करने की कमांड है, फाइल को रीड करेगा इस वेरिएबल के थ्रू करेगा, ठीक है। हर लाइन को इस वेरिएबल को स्टोर करता जाएगा और फिर प्रिंट फाइल डेटा रीड करना है और प्रिंट करना है। वो डिस्प्ले करने का मकसद ये कि आपने रीड करके उसको शो ऑफ करना है। इसको राइट करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक।
हाँ विटालियन। हाँ जी, ये फाइल डेटा जो वेरिएबल है ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने खुद डिक्लेयर किया। ये हमने खुद डिक्लेयर किया है। कुछ लोग यहाँ पे डेटा फाइल यूज करते हैं, कुछ लोग लाइन का वेरिएबल यूज करते हैं, मतलब कोई ना कोई वेरिएबल आप यूज कर सकते सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हैं। देख सकते। हाँ अब आ रही है बस, अब आ रही है बस। अब आ रही है। हाँ देखो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। कुछ लोग लाइन का वेरिएबल यूज करते हैं, हेलो, डेटा लाइन या लाइन। ठीक है, तो ये वेरिएबल जरूरी है। ठीक है, वेरिएबल के थ्रू डेटा रिसीव होता है ना, या राइट होता है या रिसीव होता है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब होता है मेमोरी, है ना, मेमोरी लोकेशन जी जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा हो। अपेंडिंग टू अ फाइल, तो अब जैसे कह रहे हैं सम टाइम वी मे विश टू ऐड डेटा टू एन एग्जिस्टिंग फाइल रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। सो अपेंडिंग अपेंडिंग ऐड द न्यू डेटा टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल। ये इसका सिंटैक्स है, ओपन फाइल, ठीक है, फाइल नेम फॉर अपेंडिंग, बाकी सब कुछ देखो राइट फाइल आ गया, यहाँ पे स्ट्रिंग या स्ट्रिंग वैल्यू या वेरिएबल आ गया, और क्रॉस फाइल। ठीक है, जी अब ये फंक्शन है एंड ऑफ फाइल। ये वाइल लूप के साथ यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको नंबर ऑफ लाइन पता है तो आप फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ लाइन ना पता हो तो फिर हम वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं इस फंक्शन के साथ। यानी हम यानी फाइल को उस वक्त तक रीड करते रहो जब तक के नॉट एंड ऑफ फाइल आ जाए, नॉट एंड ऑफ फाइल। समझ आए? जी ये यूज करें पर्पज चेक फॉर द एंड ऑफ द फाइल। टाइप इसकी या बूलियन फंक्शन होता है, डिफॉल्ट वेरी फॉल्स, जब तक फॉल्स ही चलता रहेगा, जैसे ट्रू होगा एग्जिट हो जाएगा, द वैल्यू बिकम ट्रू व्हेन द एंड ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज रीच। ठीक। तो 1 मिनट, हाय, अभी आगे ठीक जी सर। सर ये हमारा कितना रह गया P2 ताकि हम जल्दी शुरू करें? ठीक हाँ, बस ये एयरली इंशाल्लाह एक आध हफ्ते तक शुरू कर लें, तो इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी।
पढ़ लिया। एक सेकंड। ठीक अब ये क्या लिखा हुआ है? रीड द फाइल सैंपल डॉट एंड प्रिंट ऑल ऑफ इट्स पार्ट। देखो इसमें नंबर ऑफ लाइन नहीं पता है। तो यहाँ पे हम वाइल नॉट एंड अ फाइल को यूज करें। इसी तरह फाइल को ओपन कराया सैंपल डॉट ए सी फॉर रीडिंग वाइल नॉट एंड अ फाइल। ठीक, फाइल का नाम ब्रैकेट के अंदर डबल क्वेश्चन, इसकी जरूरत नहीं है। रीड फाइल करेंगे ये वही लाइन जो पहले पढ़ते आ रहे हैं, सैंपल डॉट एक्स फाइल का नाम कॉमन लाइन। यहाँ पे देखो लाइन का नाम तो जारी बता रहे हैं, डेटा फाइल लिख सकते हो पेन लाइन एंड वाइल क्लोज फाइल तो राइट। करता हो गया। ठीक है, जैसे ये कह रहे स्टोर ऑल द नेम प्रेजेंट इन एन एरे इनटू अ न्यू फाइल विद 100 एरे, ये हो जाएगा एरे से फाइल में स्टोर करना है। हाँ ये तो नया टाइप का क्वेश्चन नहीं। ऐसा तो है, चलो देख लेते हैं। मतलब एरे से वैल्यूज पिक करनी है, ठीक है, बाकी काम वही है जो हम फाइलिंग राइट फाइल का कमाल। थोड़ा सा चेंज है, देखो वो पहली लाइन वही है, ओपन फाइल नेम डॉट इस फाइल का नाम तो वही है, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ लाइन पता है 100 था, ये 100 कर लो 700 लेगा, तो 100 कर देते हैं। ये चीज़ नहीं है, एरे का नाम फर्ज करो स्कूल है, ठीक है, तो जो एरे जो लूप का वेरिएबल होता है वही एरे का इंडेक्स होता है ना। ये एरे ऐसे है, जी ये एक एरे है, यहाँ वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये इंडेक्स 1 है, यहाँ पे फर्स्ट पर 100 पड़ा हुआ है, इसको स्टोर करेंगे नेम नाम के एक वेरिएबल, तो नेम आ रहा है तो समझ यहाँ पे नेम है,
यहाँ पे कोई भी नेम है, पर्सनल एफ के नाम से भी नंबर कहाँ पे, तो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फिर राइट फाइल करेंगे, यहाँ से पिक करेगा और इस फाइल में स्टोर कर देगा। सब कुछ सेम है सिवाय एक लाइन के। करिए राइट। बस एक है। सर इसका जरा क्वेश्चन एक बार फिर दिखाएंगे। ठीक है। हेलो सर। कर लिया ठीक, हाँ ये तो हो गया। मैं समझा भी कर रहे। अच्छा भैया देखो, डिस्प्ले ऑल डेटा फ्रॉम एबीसी डॉट एसी टेक्स्ट फाइल, ये हो जाएगा। अच्छा ये रीड फाइल है। हो जाएगा, ये रीड फाइल से होगा ना? हाँ फाइल रीड कर ली बिल्कुल, लेकिन लूप कौन सा ठीक इस्तेमाल होगा, फाइल ठीक
भेज दिया। ठीक है। हाँ ये देख लो, ओपन फाइल। ठीक है, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे लाइन के नाम से, तो फाइल को रीड करेगा, इसमें डेटा स्टोर होगा। फाइल नॉट फाइल, ये भी ठीक है, रीड फाइल ठीक है, प्रिंट लाइन ठीक है, आउटपुट ठीक है, दैट्स फाइल। सिर्फ डिक्लेयर करना रह गया। ठीक हाँ बाकी सब सही। क्लियर वाइल स्टेटमेंट से पहले करना। ठीक हाँ वेरिएबल वायर से पहले करूँगा। इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि प्रोसीजर बना के डेटा कॉपी करना है इनटू अ फाइल, मतलब एक एरे, एक्चुअली एरे से फाइल, एरे जो है ना 2D है, एरे जो है 2D है विथ 3 कॉलम 3 रोज, 3 कॉलम 3 रोज। ठीक है, और 2D अरे याद है ना कि इनर लूप आउटर लूप दोनों इस्तेमाल होंगे। हो जाएगा, ठीक कोशिश करता हूँ, मुश्किल लग रहा है। है, ट्राई करो फिर देखते हैं। हो रहा है, हो जाएगा ठीक नहीं हो रहा। है।
देखो ये प्रोसीजर बना दी कॉपिंग के नाम से विदाउट पैरामीटर, क्योंकि ये 2D एरे है, जैसे पिछला प्रोग्राम था ना एरे से कॉपी कर रहे थे, सेम वही चीज हो रही। दो एरे में ले लिए, एक रो एक कॉलम, ओपन फाइल करवाया, ये स्टूडेंट डेटा डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल है, राइट होगी, सब कुछ वैसा ही है। तो इसमें एक 2D है 1D का, पर रो इक्वल 1 2 3 पहले आउटर लूप चलेगा, फिर पर कॉलम इक्वल 1 2 3 इनर लूप चलेगा, ये भी सेम फाइल सेम कमांड राइट फाइल, फाइल नेम कॉमा, यहाँ पे छोटे दो दो इंडेक्स है ना, एक रो का आ जाएगा एक कॉलम का आ जाएगा, इसके दरम्यान जो वैल्यू आएगी सेपरेशन करने के लिए ये स्पेस दी, तो ये एम परसेंट साइन के थ्रू इनको ज्वाइन किया जाएगा जो वैल्यू होगी। लेकिन ये 1 2 3 आपको पता कैसे चलता है? वो असल में क्वेश्चन में मिसिंग है ना, क्वेश्चन वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया ये नेक्स्ट कॉलम है और ये नेक्स्ट रो, यहाँ पे एंटर करें, ठीक है। हो गया। ठीक है, समझ में आगे। तो बाइक
आप इसको पढ़ो। हो जाएगा। अरे ट्राई कर।
डिस्कस कर लें, ठीक है। फाइल चेक करो। ठीक क्लियर नहीं किया। हाँ ठीक है, रुकी सुनी बाकी तो सही है। हाँ नहीं, तो कह रहे हैं कि फाइल नेम सप्लाई होगा ना, फाइल नेम पैरामीटर सप्लाई होगा, तो फिर यहाँ पे फाइल नेम ही आएगा, यहाँ भी फाइल नेम आएगा, मतलब फाइल का अपना नाम नहीं आएगा, फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, वो इसको सप्लाई होगा, समझ आई? नहीं मैंने फाइल नेम ही डाली है। नहीं आपने फाइल का नाम डाला ना, लाइन नाइन डॉट टीएक्सटी, पैरामीटर पास होगा, ये देखो, यानी ये जो पैरामीटर लिखा है ना हमने, इसके अंदर फाइल नेम स्टोर होगा, वो यहाँ पास होगा, फाइल का अपना नाम नहीं आएगा जब भी हम फंक्शन के थ्रू फाइल नेम पास करेंगे। तो मैंने पहले लाइन लिखा और नहीं, आप वो देखे ना, इधर तुमने फाइल का नाम लिखा है ना, पैरामीटर नहीं लिखा, चेक करो कोड, डबल कोटेशन में लिखा है ना, डबल कोट हाँ, लिखा। वो तो तुमने फाइल का नाम लिखा है, पैरामीटर नहीं लिखा। हम यहाँ पे ना पैरामीटर पास करेंगे, ये पैरामीटर है यानी वेरिएबल है। आप दोबारा बोलो, आवाज कट गई। हेलो हाँ अब बोलो। कह रहा हूँ डबल क्वेश्चन हटा दूँ ना फिर। अरे नहीं, डबल कोटेशन ऊपर क्या लिया हुआ, लाइन लिया हुआ ना, तो लाइन आ जाएगा, ठीक है यानी पैरामीटर आएगा। बताने का मकसद था फाइल का अपना नाम नहीं आएगा, पैरामीटर आएगा, इसके अंदर ही जब हम कोई फाइल नेम पास करेंगे तो पैरामीटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक हेलो। समझ आ गए। हाँ समझ में आ गई, मेरी आवाज ही बार बार रुकी जा रही है। हाँ तुम्हारी आ गया आवाज, समझ। हाँ ठीक है, आवाज ठीक, वो कर दिया करो ना, मैसेज कर दिया करो चैट पे, इसका ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, काफी आज के लिए। जी। ओके, अल्लाह हाफिज।